इसके अलावा जो हो जाते हैं टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड, देर इज अ लाइक डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइट्रेशन. एक वेरी सिंपल थिंग इज दैट कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर बेसिक लाइक पर्टिकुलरली एसिडिक बेसिक ग्रुप के ऊपर बात करते हैं तो कौन किसका क्या किस तरीके से काम करेगा, इसमें कई लोग जो होते हैं कि पूरा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, मत कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखोगे तो अपने आप सारा पंगा जो है वो क्लियर हो जाएगा. पंगा ये है कि दिस इज़ एसिडिक ग्रुप, ये जो है एसिडिक ग्रुप होता है, ये जो है प्राइमरी बेसिक ग्रुप है, और यहाँ पर जो भी होगा वो सेकेंडरी एसिडिक होगा और सेकेंडरी बेसिक होगा. नाउ अब बात आ जाती है प्रोटॉन डोनेट करने की या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, या बेसिकली बोला जाए पी के ए वैल्यू. तो जितना भी ज़्यादा उसकी प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होगी उतना ही वो पी के ए वैल्यू जो होगा ज़्यादा होगा. मतलब सबसे ज़्यादा जो होगा वो प्राइमरी सी ओ ओ एच करेगा, दिस वन प्राइमरी एसिडिक ग्रुप, प्राइमरी एसिडिक ग्रुप है, प्राइमरी सी ओ एच करेगा. देन उसके बाद सेकेंडरी सी ओ ओ एच ग्रुप करेगा अगर होगा तो, अगर उस अगर से, या तो सेकेंडरी बेसिक ग्रुप करेगा अगर होगा तो, नहीं तो क्या करेगा प्राइमरी अमीन ग्रुप करेगा, सेकेंडरी अमीन ग्रुप. ये दिस इज द ऑर्डर. पी के ए की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, पहले एसिड, क्योंकि ये एसिड का नेचर प्रोटॉन डोनेट करने का होता है, बेसिक का नहीं. बेस का नेचर कभी भी नहीं होता कि वो प्रोटॉन डोनेट करे, वो एक्सेप्ट करे, इसलिए मजबूरी में उसको डोनेट करना पड़ेगा. उसमें भी पहला प्राइमरी नहीं, पहले सेकेंडरी करेगा फिर प्राइमरी करेगा. तो दिस इज लाइक एसिड एंड बेस में 1, 2, 2, 1, मतलब ये पूरा का पूरा किस्सा है आपका 12, 21, ये है एसिड और बेस का कहानी. ए बी 12, 21 अगर रख रहोगे तो इस तरीके से करेंगे. सेकेंडरी अमीन कर रहा है, प्राइमरी अमीन कर रहा है, कौन सा अमीन कर रहा है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आर ग्रुप वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है. इसको हम सेकेंडरी के बजाय आर ग्रुप भी बोलते हैं कि आर ग्रुप वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दिस टू इज ऑल्सो नोन एज आर ग्रुप थिंग. ठीक है, तो ये जो है आपका इन्वॉल्व हो जा रहा था. तो इस तरीके से अगर आप समझ गए तो कौन पहले डोनेट करेगा कौन नहीं करेगा, कब, जब हम पीएच को बढ़ाएंगे या घटाएंगे. डोनेट करने की टेंडेंसी कब होगी, जब एच प्लस इन्वायरमेंट में कम होगा, और जब एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कब होगी, जब एच प्लस ज़्यादा हो जाएगा. और एच प्लस ज़्यादा होगा उसको पीएच से आप रिलेट कर सकते हैं. ये आपको बताया गया कि पीएच के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, पीएच के ऊपर यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो पीएच अगर ज़्यादा होगा, आपकी पीएच अगर ज़्यादा होता है तो पीएच ज़्यादा होगा तो एच प्लस जो होगा कम होगा, एच प्लस कम होगा तो चीज़ें प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी पे जाएंगे, डी प्रोटोनेट होगा. जनरली यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, दैट डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन होगा तो चार्जेस कैसे आएंगे, नेगेटिव आएगा. क्यों, क्योंकि प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन में ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, अगर कोई भी पर्टिकुलर केस जब प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होगा तो ये, या प्रोटोनेट होगा तो NH3+ या आपके COOH ये फॉर्म में दोनों ग्रुप रहेंगे. अगर ये डी प्रोटोनेट होता है, अगर ये डी प्रोटोनेट होता है तो यहाँ पे होगा NH2 या आपका COO-. तो आप देखो प्रोटोनेट में एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, डी प्रोटोनेट में एक नेगेटिव चार्ज आएगा. तो जब भी कोई चीज़ डी प्रोटोनेट आ रहा है तो नेट चार्ज नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा. और अगर हम पीएच को घटाएंगे यानी कि एच प्लस को बढ़ाएंगे, ये पहले सेशन में मैं पीएच और एच प्लस का रिलेशन बता चुका हूँ, इन्वर्स होता है. तो यहाँ पर प्रोसेस होगा प्रोटोनेशन का, प्रोटोनेशन का प्रोसेस होगा तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. क्यों, किसकी वजह से, NH3+ की वजह से. निगेटिव किसकी वजह से हो रहा था, COO- की वजह से. तो ज़्यादातर COO-, इसी वजह से एसिडिक अमीनो एसिड नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं और बेसिक अमीनो एसिड पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा COO-. सो एसिडिक अमीनो एसिड नेगेटिव होते हैं, बेसिक पॉजिटिव होते हैं, जो कि हम क्लासिफिकेशन में देख चुके थे अभी कुछ देर पहले, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था. हियर देखिए, पॉजिटिव चार्ज जो है एचआर के है एंड नेगेटिव जो है वो एसिडिक अमीनो एसिड्स आ रहे हैं.
ठीक है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हो जाती है कि जब आप टाइट्रेट करेंगे, पीएच को बढ़ाते रहेंगे, तो इसी ऑर्डर में प्रोटॉन को डोनेशन होगा, जो आपको यहाँ पे बताया गया है ऊपर के किस्से में कि सबसे पहले प्राइमरी सीओएच करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी बेसिक्स करेगा आर ग्रुप एंड उसके बाद प्राइमरी। यही ऑर्डर होगा प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए। और उसके बाद पी के की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है किस पे कौन प्रोटॉन डोनेट करता है। जब प्राइमरी जो होता है जिस पीएच पे आपका यहां पे ये एसिड ग्रुप प्रोटॉन डोनेट कर दिया जिस पीएच पे, उसको बोलते हैं पीके वन। जिस पीएच पे साइड ग्रुप आपका प्रोटॉन डोनेट करता है आर ग्रुप, उसको बोलते हैं पीके आर। जिस पीएच पे आपके NH3 जो डिसोसिएट करेगा अपने प्रोटॉन को, दैट शुड बी पीके टू। ये कब होगा? जब आपके साइड ग्रुप में कोई भी आपका डोनेटिंग कंपाउंड या डोनेटिंग नेचर का ग्रुप है। तो अगर नहीं होगा तो एक पीके वन और पीके टू ही रहेगा, जिसमें सिर्फ दो ही प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर ग्रुप होंगे। यहाँ पे तीन प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर ग्रुप है, जिसमें साइड वाले में भी है, लेकिन अगर नहीं होगा तो सिर्फ दो होंगे, या तो सीओएच या तो आप प्राइमरी बेसिक या प्राइमरी एसिडिक। तो एग्जैक्टली अगर ये डाइप्रोटिक, मतलब इसके पास या तो प्राइमरी सीओओएच एंड प्राइमरी जो है वो NH2, मतलब या तो एक प्रोटॉन डोनर और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो दिस विल गिव यू द PK1 एंड PK2 ओनली, एंड द PI दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ PK1 एंड PK2। PK1 और PK2 का एवरेज लेके आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हो। एंड ट्राइप्रोटिक में, जिसमें आपके पास प्राइमरी COOH है, प्राइमरी अमीन भी है, एंड इसके बाद सेकेंडरी या तो COOH होगा या तो SH होगा, या तो आपके नॉर्मली जो सेकेंडरी में दैट NH2 है, या आपके टायरोसिन बेंजाइन बेंजीन वाला फिनॉल वाला ग्रुप है, ये हो सकते हैं, जो कि जैसे टायरोसिन सिस्टीन आर्जिनिन लाइसिन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये क्या करेंगे इन केसेस में आपके पास जाते हैं, तो दिस पर्टिकुलर केसेस या तो ये एसिडिक अमीनो एसिड हो या बेसिक हो। एसिडिक होगा तो PK1 plus PKR by 2 इसका एवरेज लोगे ना तो आपका मिलेगा एसिडिक अमीनो एसिड का PI। अगर इन PK2 plus PKR का एवरेज ले लिया तो दिस विल गिव यू द बेसिक वन, ये आपको बेसिक वन दे देगा। इसके अलावा इसका कैलकुलेट करने का एक और इजी और हैक है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। वो हैक क्या है, चलिए देखिएगा कि जब भी आपके कोई भी पर्टिकुलर पीएच कैलकुलेशन की बात की जा रही है ट्राइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक के केसेस में, तो COOH डोनेट कर रहा PK1, साइड वाला PKR, ये PK2 कर रहा था। डाइप्रोटिक में आपको मिलेंगे PK2 एंड PK1, जस्ट टेक द एवरेज ऑफ PK1 एंड PK2, यू विल गेट द PI वैल्यू वेरी सिंपली, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ट्राइप्रोटिक में यू विल गेट PK1, PK2 एंड PKR, या PKR को कभी कभी PK3 या किसी इसी वे में लिखा रहता है। नाउ इन तीन वैल्यूज में से दो वैल्यू या तो 7 से ज़्यादा होंगे या तो कम होंगे, ठीक है। लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन सीट, देखिएगा कि इसमें क्या है कि दैट इस तीन वैल्यूज में से, इन तीन वैल्यूज में से यू विल हैव आइदर टू वैल्यूज ग्रेटर देन द 7 और लेस देन द 7। अगर दो वैल्यूज, यू हैव टू चेक द टू वैल्यूज, अगर वो लेस देन 7 है तो आपका एवरेज ले लो, एंड अगर ग्रेटर देन 7 है तो एवरेज ले लो, ठीक है। क्या करना है आपका, तो यहां पे स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी गलत है, तो लेट मी राइट द थिंग फर्स्ट कि अगर आपके दो वैल्यू, ठीक है, लेस देन 7 है, लेसर है, तो देन द एवरेज ऑफ टू वैल्यूज, जो वैल्यू कम है उनका एवरेज ले लो, एंड अगर ग्रेटर है तो उनका एवरेज ले लो। कैसे, लेट मी टेल यू, बहुत सिंपल सा है। जस्ट सपोज कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन के पास आपको जैसे पता है इट इज डाइप्रोटिक, यहाँ पे जो मैंने अमीनो एसिड बताया है उनके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डाइप्रोटिक होते हैं, यही छोड़ के, दैट DE एसिडिक अमीनो एसिड, फिर HRK बेसिक वन, इसके साथ सिस्टीन एंड टायरोसिन, यही है पूरा। इनको छोड़ के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके डाइप्रोटिक होते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, एसिडिक, बेसिक एंड सिस्टीन एंड टायरोसिन, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्लाइसिन है डाइप्रोटिक है, इसमें बोल दिया कि भैया PK1 एंड PK2 की वैल्यू जो है वो है आपका 4 and 9, व्हाट शुड बी द PI वैल्यू, जस्ट यू हैव व्हाट यू हैव टू, दो ही वैल्यू है भैया PK1 PK2, 4 plus 9, एवरेज ले लो, क्या हो जाएगा 4 9 13 13 / 2, दैट इज 6.5, ये आ गई वैल्यू। सिंपली अगर मैं बोलता हूँ स्पार्टेट के लिए, देखो
या आपको नहीं भी पता है, इट्स नॉट अबाउट ए स्पार्ट इट, इट्स ऑल अबाउट लाइक, देखिएगा जो मैंने आपको ट्रिक बताया, कुछ भी दे दिया हो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है कि कोई भी एनी प्रोटीन एनी अमीनो एसिड वी डोंट लाइक, हमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें पी के वन की वैल्यू दे दी 7, पी के टू की वैल्यू दे दी 9, ठीक है, पी के आर पी के थ्री की वैल्यू दे दी 11। जस्ट चेक इट, यहाँ पे दो वैल्यू 7 से ज़्यादा है या कम है, यहाँ पे दो वैल्यू 7 से ज़्यादा है, इनका एवरेज लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। 9 + 11 / 2 व्हाट शुड बी लाइक 20 / 2 दैट इज 10, पीआई की वैल्यू आ जाएगी 10। एनी प्रोटीन वैल्यूज डोंट नीड एनीथिंग, कुछ भी नहीं दिया है तो भी पी के वन इज लाइक 3, पी के टू इज लाइक 7, पी के टू इज लाइक 6 एंड पी के 3 इज लाइक 9। अगेन दिस शुड बी लेस देन 7, तो यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दिस। अब इसको एवरेज करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 6 / 2 दैट इज 4.5, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आई। जब भी आपके पास 3 डेटा हो तो आपको यूज करना है लेस देन 7 रूल या ग्रेटर देन 7 रूल। द 7 रूल का यूज करना है जब भी आपके पास चीजें आए, वो 7 रूल ग्रेटर देन हो या लेस देन हो ये डिपेंड करता है कि 3 वैल्यूज दी हुई हैं, अगर 2 वैल्यूज है तो उसी दोनों का एवरेज ले लेना है। इट्स अ वेरी सिंपल।